नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में होंडा एसपी के आपको जो चार कलर देखने को मिल जाते हैं, वो मैं आपको चारों कलर इस वीडियो में चेकआउट कराने वाला हूं। बहुत लोग पूछ रहे थे कितने कलर देखने को मिलते हैं और किस कलर का क्या क्या नाम है और क्या कुछ प्राइस डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है कलर वाइज। तो आज आपको इस वीडियो में इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वो पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनसे कोई भी बाइक और स्कूटी अपडेट मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये कलर चेकआउट करेंगे तो ये आपका स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर रहने वाला है। इस कलर को स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपको लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया गया है। देख सकते हैं, देखने में गाड़ी बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही अच्छी लगती है। आप लुक चेकआउट कर सकते हैं गाड़ी का। ये आपका स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर रहने वाला है। लुक वाइज देख सकते हैं, आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। लुक वाइज आप गाड़ी चेकआउट कर सकते हैं। साइड पैनल में आपको दिखा रहा हूँ राइट हैंड साइड का, आपको मैं लेफ्ट हैंड साइड भी दिखा दूंगा। बाकी आप ये बैक में स्ट्रिप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही सही, बहुत ही अच्छी लगती है। आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी इसके लुक वाइज, आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। और इस कलर का अच्छा डिमांड भी है। ओवरऑल आपको ये अच्छा रिस्पांस बिल्कुल देने वाला है क्योंकि आपको ये ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। आपको ब्लैक और जो ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, बिल्कुल एक अट्रैक्टिव कलर लगता है और देखने में गाड़ी बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत अच्छी लगती है। देख सकते हैं आपको इसके टैंक पे शाइनिंग देखने को मिल जाती है अच्छी खासी। आपको इसमें अच्छी खासी शाइनिंग देखने को मिल जाती है, गाड़ी आपकी शाइन करती है। बाकी फ्रंट से देख सकते हैं, फ्रंट में भी आपको इसकी जो स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर की डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है। आप यहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको जो स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन है, आप फ्रंट का मडगार्ड चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग वाला देखने को मिल जाता है। बाकी आप इस गाड़ी का साइड पैनल चेकआउट कर सकते हैं। एसपी 125 की बैचिंग आप देख सकते हैं, देखने में गाड़ी टोटली अच्छी लगती है। उसके बाद बात कर लें ग्रे कलर की, देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी स्टिकर देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत बड़ा एक इसमें ड्रॉबैक है। आपको कोई भी इसमें स्टिकर यूज़ नहीं किए गए, आपको पूरा ये सिंपल एंड सिक्योर कलर रखा गया है। देख सकते हैं कुछ ओल्ड एज पर्सन लोग को बिल्कुल ये कलर पसंद आने वाला है, बाकी और लोगों को भी पसंद आने वाला है क्योंकि एक डिसेंट सा कलर है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ ताम झाम देखने को नहीं मिलता है। सिंपल एंड सिक्योर कलर देखने को मिल जाता है विदाउट स्टिकर। देख सकते हैं आप लोग, आपको इस कलर का भी अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। देख सकते हैं ग्रे कलर आपको ये कहलाता है, आपका ये ग्रे मेटेलिक कलर कहलाता है। देख सकते हैं आप लोग, ये कलर भी आपको देखने में बहुत अच्छी लगता है। इस कलर का अगर पूरे नाम की बात करें तो इस कलर का नाम है मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक, इसका पूरा नाम है। उसके बाद लोग चेकआउट कर सकते हैं, ये भी देखने बहुत ही सही लगता है, कोई आपको कमी महसूस नहीं होगी। इसमें आपको ज़्यादा डिजाइनिंग देखने को नहीं मिलती है, ज़्यादा आपको टैंक पे साइन देखने को नहीं मिलता है जितना कि आपको ब्लैक में देखने को मिलता था। ब्लैक में आपको कुछ ज़्यादा साइन देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको उतना साइन देखने को नहीं मिलता है। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे भी, आपको इसमें कोई भी स्ट्रिप और स्टिकर्स देखने को नहीं मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको इसके पहले जो कलर चेकआउट कराया था। उसके बाद अगर बात करें इस कलर की तो ये आपका इंपीरियल रेड मेटेलिक कहलाता है, चेकआउट कर सकते हैं। रेड मेटेलिक कलर आपका रहने वाला है, इसको भी देख सकते हैं, देखने बहुत ही सही लगता है। इसके भी स्ट्रिपिंग चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड कलर रहने वाला है आपकी होंडा एसपी में, ये थर्ड कलर देखने को मिल जाता है। होंडा एसपी में आपको चार कलर ऑफर किए जाते हैं जिसमें कि रेड भी आपको ये देखने को मिल जाता है। आपका ये रेड मेटेलिक कलर है, देखने में भी बहुत सही लगता है, आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। इसका भी आपको बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। इंजन वाइज आपको सब में 124 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं ये कलर को भी, देखने में बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा लगता है। कलर वाइज कोई आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। बाकी आप फ्रंट से भी गाड़ी का लुक चेकआउट कर सकते हैं, जिसका मड गार्ड रहने वाला वो भी रेड कलर का रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं आपको थोड़ा वाइट ग्रे ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। ये भी कलर देखने में सही लगता है, कोई आपको कमी महसूस नहीं होने कलर कॉम्बिनेशन वाइज। गाड़ी की लुक बहुत ही अच्छी निकल के आती है। ये सब जो कलर आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब कलर जो देख सकते हैं, जो आपको व्हाइट कलर की स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, अच्छी देखने में लगती है। उसके बाद ये हमारा लास्ट कलर रहने वाला है पर्ल ब्लू कलर, देख सकते हैं ये आपका ब्लू कलर रहने वाला है। ये भी आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है, कोई आपको कमी महसूस इस कलर में भी नहीं होने वाली है। ये भी कलर टोटली अच्छा रहने वाला है, आप लोग कलर खुद से चेकआउट कर सकते हैं। देखने में बहुत ही सही, बहुत अच्छा कलर ये भी लगता है। आपको सब गाड़ी में सेम इंजन देखने को मिलेगा 124 सीसी का, 10.8 पीएस की पावर देखने को मिल जाएगी, 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क और साथ में आपको साइलेंट स्टार्ट फीचर जो कि आपकी ESP टेक्नोलॉजी रहने वाली है। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको व्हाइट और रेड स्ट्रिप देखने को मिल जाता है। ये आपका ब्लू कलर जो रहने वाला है। बाकी बैग में आपको टेल लैंप देखने को मिलने वाला, बल्ब वाला ही। सीट की कुशनिंग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसकी भी टैंक देख सकते हैं, अच्छी खासी शाइनिंग वाली देखने को मिल जाती है, कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। लुक वाइज आपको गाड़ी देखने में बहुत अच्छी रहेगी। पेंट का भी आपको टोटली अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छी गाड़ी देखने में लगने वाली है। बात कर लेंगे गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, क्या कुछ प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है कलर वाइज। तो मैं आपको बता दूँ, कलर वाइज आपको कोई भी तक प्राइस डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सारे कलर आपको सेम रेट में बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। जो आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा वो इसके डिस्क और ड्रम वेरिएंट में देखने को मिलेगा, लगभग 4.5-5 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इसके डिस्क और ड्रम वेरिएंट में। बात करेंगे इसके ड्रम वेरिएंट की प्राइसिंग, तो मैं बता दूं, मैं आपको सोनभद्र उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो यहां की प्राइसिंग आपको लगभग इसकी 91,000 पड़ने वाली है ड्रम वेरिएंट की। और इसके अगर डिस्क की बात कर लें, आपको लगभग 96 में आपको इसकी डिस्क देखने को मिल जाएगी।
बाकी आप अपने नियर बाई शोरूम में बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी करेक्ट प्राइसिंग ऑन रोड पता चल जाएगी और आपको इस बाइक से रिलेटेड सारी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप अपने नियर बाई शोरूम में कॉन्टैक्ट कर लें ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में। उसके बाद एक लोग जो मेनली क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कोई चेंज आया है 2021 मॉडल में? तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी अभी तक चेंज नहीं किया गया है और ना ही अभी तक कोई भी न्यूज़ है, ना ही अभी तक कोई लीक है कि कुछ अपडेट आने वाला है होंडा एसपी में। देख सकते हैं आप लोग, टोटल आपको वही गाड़ी देखने को मिलती है, ना ही अभी तक कोई अपडेशन आया है, ना ही कुछ अभी तक चेंजेस आए। आपको 2021 में भी होंडा एसपी जैसा आपको पहले देखने को मिलती थी, वैसी सेम अभी आपको देखने को मिलने वाली है। कहीं कहीं पर ये गाड़ी अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन आपको मैं दो जगह का नंबर दे दूंगा आपको, मैं एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और एक मध्य प्रदेश वैटन डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ के दोनों ही शोरूम में ये गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल ये गाड़ी आके यहाँ पे, अगर आप इसके नियर बाई रहते हैं तो बिल्कुल आप जाके गाड़ी वहाँ पे ले सकते हैं, आपको ये सब गाड़ी दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगी, आपको इसके सारे कलर भी वहाँ मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन और डिटेल सारी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, यही था एक डिटेल वीडियो होंडा एसपी का ऑल कलर्स के बारे में, जो आपको इसमें चार कलर देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको चार कलर चेकआउट करा दिए हैं जो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें तो जैसे आपको स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर देखने को मिल जाता है, उसके बाद इंपीरियल रेड मेटालिक देखने को मिल जाता है, पर्ल ब्लू देखने को मिल जाता है और साथ में आपको मैट एक्सिस ग्रे देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको सारे कलर्स के चेकआउट करा दिए जो आपको चार कलर्स कंपनी ऑफर करती है होंडा की एसपी में। तो यही था फ्रेंड्स इसके वीडियो, चारों कलर के बारे में बहुत लोग पूछते थे, चारों कलर कंपैरिजन दीजिए। अगर मेरे हिसाब से पूछेंगे तो मुझे पर्सनली स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर ज़्यादा पसंद लगता है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा कलर बेस्ट लगता है। मेरा स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर है, आपको हो सकता है ब्लू अच्छा लगे, ग्रे अच्छा लगे, रेड अच्छा लगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।